जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का जो सफ़र है आप सभी की सबसे फेवरेट ट्रेन यानी भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में होने वाला है, जो कि अब निज़ामुद्दीन से झांसी के बीच में चलती है और इसे कोविड डेज के बाद अब खोल दिया गया है और ये ट्रेन अपने रेगुलर नंबर यानी 12050 के साथ चल रही है। वैसे इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बारे में, मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन लगा। स्टेशन में आपको वेटिंग रूम जैसी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं जिससे आप अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपनी गतिमान एक्सप्रेस जाएगी आज। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 से यशवंतपुर की ओर जाने वाली निज़ामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लगाई जा रही है, जो कि हमारे जस्ट 5-10 मिनट बाद छूटेगी यहाँ से। दोस्तों यहाँ है अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव गाजियाबाद शटकर WP5-3007 और यही आज हमारी ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाने वाला है। गतिमान एक्सप्रेस भारत की इकलौती ट्रेन है जिसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने की अनुमति है और आज हम लोग 189 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने वाले हैं। यानी आगरा हम लोग 9:50 तक पहुँच जाएंगे, दिल्ली से आगरा मात्र 100 मिनट में, इसीलिए गतिमान को भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कहा जाता है। तो लोकोमोटिव के बाद ये है अपना ही कोच, पहला कोच C1। चलिए देखते हैं, वैसे साफ सुथरा तो काफी लग रहा है। वाओ, काफी साफ सुथरा कोच लग रहा है। खैर अपना C1। सीट्स जो हैं गतिमान की कुछ ऐसी हैं नॉर्मल शताब्दी जैसी ही, कुछ स्पेशल जो हैं सीट्स वगैरह नहीं लगाई गई हैं। पुशबैक इसका इतना होता है, बाकी नॉर्मली सीट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। और यहाँ मुंबई तेजस राजधानी स्किप कर रही है हज़रत निज़ामुद्दीन को, क्योंकि ट्रेन का निज़ामुद्दीन में कोई स्टॉप नहीं है, सीधा नई दिल्ली जा कर के रुकेगी। और उसके पीछे खड़ी है मेवाड़ एक्सप्रेस जो कि उदयपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है। दोस्तों मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए व्यू ऐप का यूज़ करता हूँ, जो कि एक ट्रैवल ऐप है जहाँ से आप वर्ल्ड वाइड होटल एक्टिविटीज़ फ्लाइट्स इन सभी चीज़ों को बुक कर सकते हैं। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा डील को कंपेयर करके कम से कम पैसे में बेस्ट डील्स प्रोवाइड करता है। हाल ही में वीगो ने IRCTC में ट्रेन बुकिंग भी स्टार्ट की है, जिसकी जो बुकिंग प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। मैंने अपनी ये टिकट भी वहीं से बुक की है। इसके लिए आपको करना ये है, बस वीगो के ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन से ऐप पे पहुंचिए, आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेन का जो लोगो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए, अपने सो स्टेशन को डालिए, डेस्टिनेशन को डालिए, अपनी बेस्ट डेट को चुनिए, सर्च रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, अब बहुत सारी ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आपको ट्रेन सही लगे आपके प्लान के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, अपनी टिकट को फास्ट तरीके से बुक कीजिए। मेरी आप लोग के लिए एक टिप ये भी है कि अगर आप लोग जिस सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में टिकट को बुक कर रहे हैं ना ट्रेन में, वहाँ पे एक बार फ्लाइट के किराए को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम रेट्स में फ़्लाइट का किराया भी प्रोवाइड करता है, ज़रूर एक बार देखिएगा। और अगर आप लोगों ने ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो अपने जो ऐप है उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि नए ऐप में आपको मिलेंगे बहुत सारे नए और अमेजिंग फीचर्स। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी जाइए वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए और ट्रैवलिंग कोर्स शुरू कीजिए। तो यहाँ बिल्कुल राइट टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है हजरत निज़ामुद्दीन से, 8:10 में हमारा डिपार्चर हो चुका है और सामने शाने भोपाल एक्सप्रेस भी आ चुकी है हबीबगंज से हजरत निज़ामुद्दीन। से
आज का सफर क्रांति से हम लोग आगे निकलते हुए अभी ट्रेन को चले बस 6 मिनट हुए हैं और यहाँ पे देखिए 120 की रफ्तार तो हम लोगों ने छू ही दी है। अब देखते हैं 130 हम लोग कब तक पहुँचते हैं। और अगले ही पल यानी अगले ही मिनट यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 तक हम लोग खींच चुके हैं और टिकट स्किप हो रहा है अभी। अब बारी है 160 कब होती है ये देखने की। दोस्तों यहाँ पे अपने साथ सौरभ भाई ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे भी ब्लॉग्स वाले और जो अभी से एक्साइटेड हो गए 10 मिनट में ही। कैसे लगे एक्सेलरेशन ट्रेन में? इतना क्विक एक्सेलरेशन मैंने कभी देखा नहीं। अब देख 144 एक ट्रेन में जर्नी एक रेल 150 होने वाली 10 मिनट में हो गई। काफी एक्साइटेड है हम ये जर्नी मतलब क्या बोले मतलब मेरा ये अभी फरीदाबाद भी नहीं आया ना। फरीदाबाद भी नहीं यार 150 टच हो चुका है। चलो देखते हैं 160 कब करती है। ट्रेन है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही चल रही है। काफ़ी कमाल का रन रहा है यहाँ तक और अभी हम लोग मथुरा जंक्शन स्किप भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं मथुरा स्किप। और फाइनली हम लोग मथुरा जंक्शन को स्किप कर रहे दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे रूट जाते हैं लेकिन राइट साइड जो रूट जा रहा है वो कोटा की ओर जा रहा है। हम लोग दिल्ली लाइन से आ रहे हैं और भूतेश्वर में अलवर से आने वाली लाइन मिल जाती है और साथ ही मथुरा से अजनेरा और कासगंज की ओर भी रूट गए हुए हैं। और सामने वाली लाइन अब जो राइट साइड निकल रही है ये कोटा की ओर निकल जाती है।
दोस्तों यहाँ अपनी गतिमान एक्सप्रेस निर्धारित समय से 5 मिनट पहले यानी 9:45 पे ही आगरा कैंट पहुँच चुकी है। 190 किलोमीटर की दूरी को हम लोगों ने लगभग 1 घंटे 35 मिनट में पूरा किया है और आप लोगों ने रफ्तार तो देखी। ताज एक्सप्रेस को ओवरटेक है, जस्ट आउटर पे ही हो गया था। वैसे यूजुअली आगरा के बाद होता है पर आज थोड़ा पहले हो गया। आगरा जितना फेमस अपने ताजमहल के लिए है उतना ही फेमस अपने पेठों के लिए भी है। यहाँ आ रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन को जब शुरू किया गया था 2016 में उसे आगरा तक ही शुरू किया गया था ताकि जो पर्यटक हैं वो आगरा ताजमहल के दर्शन के लिए जो आते हैं दिल्ली से वो आसानी से एक फास्टेस्ट कनेक्टिविटी से पहुँच सकें। भोपाल शताब्दी पर चलती इस रूट में लेकिन वो भोपाल तक जाती है इसलिए उसकी जो सीट्स हैं बहुत जल्दी भर जाती हैं। जब इस ट्रेन को शुरू किया गया था उतना ज़्यादा नहीं भर पाती थी जिसके कारण इस ट्रेन को फिर 2018 में झांसी तक एक्सटेंड किया गया। उससे पहले 3 महीने के लिए से ग्वालियर भी एक्सटेंड किया गया था फिर लेकिन फाइनली जब से झांसी एक्सटेंड कर दिया गया है काफ़ी सीट्स इसमें भर जाती हैं लेकिन फिर भी मेनली आपको आगरा के पैसेंजर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं ट्रेन के ऑलमोस्ट 3 कोच आगरा में ही खाली हो चुके हैं और इसमें टोटल 8 AC शेरकार के कोच और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच लगाए जाते हैं। फिलहाल आगरा से कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं और देखते हैं फिर आगरा से डिपार्चर अपना। आगरा में खाने पीने की ये चीज़ें अवेलेबल है और अपने पास सफिशेंट टाइम भी है तो यहाँ बिल्कुल राइट टाइम अपनी ट्रेन को आगरा कैंट से भी निकलने की अनुमति मिल चुकी है और हम लोग आगरा कैंट से डिपार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो रंगीन चीज़ें दिख रही हैं वही हैं पेठे, आपको ट्राई करना है अगर आप आगरा आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही गतिमान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आती है और 1 से ही जाती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे बोर्ड करना चाहते हैं आगरा से कहीं के लिए या फिर अगर आप इसे आगरा पहुँच रहे हैं किसी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो यही बताइएगा। यहाँ पे भाई आगरा में हम लोग को मिल गया है बर्गर, वेज बर्गर और साथ में समोसे जो कि मैंने आपको दिखाया। ये 20 के 2 समोसे और 40 का 1 बर्गर पड़ा है। सौरभ भाई टेस्ट करके बताओ कैसा है। पहले सौरभ भाई फोटो लेंगे इंस्टा के लिए उसके बाद बाकी काम। आप टेस्ट करके बता दो भाई कैसा था। काम चलाने लायक है, नॉट वर्थ, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, मत लीजिएगा। हमने इसीलिए लिया है ताकि आपको बता सके। खैर गतिमान में पहले पूरा कंप्लीट मील मिला करती थी, साउथ इंडियन मील, अगर आपको चाहिए आलू पराठे वगैरह, डोसे, इडली और मतलब फ्रूट केक सब कुछ मिलता था। और अब भाई गतिमान नहीं रही है, अभी नॉर्मल एक इंटरसिटी फास्ट इंटरसिटी रह गई है। तो चलिए हम फिनिश करते हैं इन सब चीज़ों को और आप लोगों से जल्दी मिलते हैं। अभी हमारी ट्रेन ने जजाऊ स्टेशन को पार किया है और अब मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ से राजस्थान शुरू होता है और हम लोग धौलपुर भी थोड़ी देर में स्किप करने वाले हैं लेकिन राजस्थान का जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर वो यहाँ से शुरू हो जाता है।
यहाँ 305 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करते हुए हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर जंक्शन। ट्रेन का यहाँ पे 11:07 का अराइवल टाइम था, 2 मिनट का मात्र हॉल्ट है, लेकिन समय से थोड़ा पहले 11:04 पे हम लोग पहुँच गए हैं। सौरभ भाई कैसे लगी स्पीड यहाँ तक? काफ़ी मज़ा आ रहा है। अरे काफ़ी बढ़िया, बस खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, उसी चीज़ की कमी है। बाकी गतिमान के बारे में बता दूँ, यहाँ तक अब आगरा के वास्ते ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी झांसी तक, और ग्वालियर जंक्शन से भिंड इटावा के लिए भी लाइन गई हुई है। श्योपुर कलान वाली लाइन जहाँ पे नैरो गेज की ट्रेन चलती थी अब वो बंद हो चुकी है, उसे एक गॉज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं अभी यहाँ से झांसी लाइन की ओर। चलिए दिखाता हूँ डिपार्चर। तो दोस्तों अपनी गतिमान एक्सप्रेस निकल चुकी है अब ग्वालियर जंक्शन से। सामने है ग्वालियर बरौनी मेल और पीछे आप देख सकते हैं छोटी लाइन की टॉय ट्रेन के डब्बे जो कि अब बंद हो चुकी है। यहाँ से गुना की ओर भी रूट गया हुआ है, जिससे आप आगे कोटा रतलाम कई रूट्स में जा सकते हैं। दोस्तों ये वही सिंधु नदी है जो हाल ही में ओवरफ्लो हो गई थी, इसमें बाढ़ आ गई थी। इस ब्रिज की गहराई को आप देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ भर गया होगा, जब पानी इस ब्रिज के काफ़ी करीब पहुँच गया था। वैसे मैं सैल्यूट टू इंडियन रेलवेज़ की ट्रेनों का जो संचालन है वो रुका नहीं, थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन ट्रेनों का मूवमेंट यहाँ से जारी था। क्यों करके यहाँ पे शुरुआत होती है और झांसी से दिल्ली जाने वाला ट्रैक आप देख सकते हैं हमसे अब काफ़ी दूर निकल गया है, लेकिन अभी हम उसे पार भी करने वाले हैं। अब हम बढ़ चले हैं उस ट्रैक की ओर ही और कुछ ही समय में वो हमारे नीचे से जाएगा। ये देखिए, ये पहली बार हमने उस ट्रैक को पार किया और इतने में ही ये कहानी ख़त्म नहीं होती। अभी हम वापस से घूम के उस ट्रैक की तरफ ही जा रहे हैं। वैसे ट्रेन यहाँ पर घूमते हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही है और हमारा कोच इंजन के काफ़ी करीब है, जिसके कारण और अच्छा लग रहा है। और यहाँ बारी आती है फिर से उस ट्रैक को पार करने की। तो ये देखिए, फिर से हम सेम ट्रैक को अब पार कर रहे हैं और वैसे आगे जाकर के हमारी ट्रेन से मिल भी जाएगा। और यहाँ बहुत सारे मंदिर पहाड़ों में देखने को मिले भाई, जो लोग झांसी से उसके पीछे क्या राज है बताइएगा ज़रूर आप लोग। खैर, हमारी ट्रेन घूमते हुए अपने सफ़र को तय करते हुए वापस से आ चुकी है अब झांसी लाइन के एकदम करीब, झांसी दिल्ली लाइन के, और अब यहाँ से दोनों ट्रैक वापस से साथ चलने वाले हैं। ये जो क्यूकर आता है ये सोनेगी रेलवे स्टेशन के बाद ही आता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फोकस रहिएगा इसके ऊपर। तो यह है दोस्तों झांसी से कानपुर लखनऊ की ओर जाने वाली लाइन, यहीं से गोरखपुर की गाड़ियां भी अपने सफर को झांसी के लिए तय करती हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं 12:10 पर ही हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी जंक्शन, 407 किलोमीटर की दूरी तय करके।
पे 403 किलोमीटर की दूरी को मात्र 4 घंटे में तय करते हुए हम लोग पहुंच गए झांसी जंक्शन। स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने कानपुर वाली लाइन देखी, झांसी से बांदा होते हुए बुंदेलखंड का भी रूट गया हुआ है, साथ में भोपाल की ओर मेन लाइन गई है। दिल्ली साउथ की जो मेन लाइन है, दिल्ली इटारसी वाली जो मेन लाइन है, वो यहीं से होकर गुजरती है। दिल्ली झांसी का जो स्ट्रेच है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें सभी ट्रेनें ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती हैं, जो कि अब LHB है, क्योंकि धीरे धीरे रेलवेज अब LHB ट्रेन की स्पीड को अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल गतिमान एक्सप्रेस में आपको यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। भारत की एकमात्र ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलती है, बाकी भोपाल शताब्दी 150 में रिस्ट्रिक्टेड है। कई लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई वंदे भारत है, तेजस है, तो ये कैसे फास्टेस्ट ट्रेन हुई? तो वंदे भारत और तेजस जिन रूट्स में चलती हैं उन रूट्स में अभी 130 के ऊपर स्पीड अलाउ नहीं है, बात यह है सबसे बड़ी। बाकी अगर बात की जाए कोचेस की कैपेबिलिटी की, तो उनके जो कोचेस हैं वो तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में जाने में सक्षम है, और ये जो कोचेस हैं ये 160 में ही रिस्ट्रिक्टेड है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी है द ट्रेन गुरु, वहाँ भी अपनी जर्नी अपडेट्स और फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब शेयर करता रहता हूँ। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी ढेर सारी आने वाली जर्नीज में, ऐसे ही आपको मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल कराता रहूँगा नए नए रूट्स में, और ऐसे हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।